एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कल का वीडियो छोटा सा था, बट आप लोगों ने प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और आज का वीडियो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। आज है बुधवार और आज मैंने सुबह से कुछ भी व्लॉगिंग नहीं किया था, मैंने कैमरा उठाया ही नहीं था। तो अभी आ गई हैं आज मम्मी और रहेंगी आई थिंक शनिवार तक। तो शनिवार को पापा भी शाम को आ जाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ मुंडन है, मतलब मेरे कज़न ब्रदर का, मतलब बड़े पापा हैं उनके लड़के का। तो इसमें मम्मी आई हुई हैं, तो मम्मी से मिलवाऊंगी मैं मॉर्निंग में। अभी जा रही हूँ मैं चौराहे पे, क्योंकि हमारे वहाँ है संकटा पूजा। यूपी में खासकर संकटा पूजा होता है जब कोई फंक्शन होता है, जब कोई फंक्शन होने वाला होता है, या फिर कोई फंक्शन या फिर कोई मन्नत पूरी हो जाती है तब। तो मम्मी की एक मन्नत हो गई है पूरी, तो मम्मी करवाएंगी अभी संकटा पूजा। तो मन्नत क्या पूरी हुई थी अभी मैं साथ ही साथ बता देती हूँ। मम्मी ने कहा था कि हे माता रानी, मतलब पापा का कहीं ना कहीं दो चार पैसे, कहीं कुछ तो जॉब लग जाए, तो मैं संकटा माता का पूजा रखवाऊंगी। तो पापा का तो हो ही गया है 3-4 मंथ से, लेकिन ना हो नहीं पाता है, जैसे प्लान पोस्टपोन होते 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 हुआ कि नहीं हो पाएगा। तो मुंडन में मम्मी आई हैं, तो वो वाला पूजा भी होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ ना, उसमें लगता है भूजा, लड्डू, बतासा एंड सुहागा चीज़ लगता है। साड़ी वाड़ी तो घर पर है तो होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल तक इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, पूजा के बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो ले लिया। अभी घर आई ना तो पता चला पनीर आया और मटर। तो यहाँ पे पनीर फ्राई कर रही हूँ, मसाला तैयार हो गया, आटा मैंने गूंथ दिया है, चावल थोड़ा बनाना था वो मैंने बना लिया। तो चलिए डिनर बनाते हैं, डिनर बना के खाते हैं, कुछ होते हैं, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि पूजा है घर पे, तो साफ सफाई पहले करना है, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो अभी मैं खाना बना के खिला के बर्तन धुल लूँगी। और माता रानी आई हैं जब से ना, जब से मम्मी बातें करे जा रही हैं, दो आंटी लोग हैं, फिर दादी हैं, तो घर का सारा बातचीत हो रहा है, मतलब मम्मी काफ़ी टाइम बाद आई है घर। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, जो भी बता शेयर करते हैं। सो इसके बाद से फटाफट मैं बनाने लगी थी डिनर, और डिनर में क्या बन रहा था, मटर पनीर और चावल और रोटी। पूरी मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि ना गर्मी के टाइम में ऑयली खा के एकदम से ना फेस हैवी हो जाता है, देन बॉडी भी इतना हैवी सा लगता है, तो रोटी सेक दिया था। अभी पनीर फ्राई करने के लिए रखी हूँ, तो जब तक पनीर फ्राई हो रहा है, चावल हो गया था, तो तब तक मैं सलाद कट कर दूँगी। और खाया पिया, फिर हम लोग सो गए रात में, और उसके बाद से कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हमको इस वीडियो को सुबह तक कंटिन्यू रखना था। और सुबह ये पूजा की हो गई तैयारी। तो ये पूजा कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ से आप लोग मुझे देखते हो, अगर आप लोग के वहाँ होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ना 7 जगह भूजा, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, लड्डू, बतासा, चना और 7 गिलास में पानी। अभी 5 में ही है, 2 गिलास में और रखा जाएगा। एंड पूजा का जितना भी चौक बनता है ना, वो बना के प्लस के आगे मिट्टी के 7 रख दिए जाते हैं। एंड 7 औरतों को बुधवार की रात को बुलाया जाता है, मतलब कि बोला जाता है कि सुबह आपको पूजा में आना है। तो 7 लोग आती हैं सुहागिन औरतें, तब ये पूजा होता है। और जो लोग आती हैं ना, उनको नेल पॉलिश और क्या बोलते हैं, बिंदी और तेल, सॉरी रंग लगाया जाता है पैर में। तो वो छोटी लगा रही है, ये दीदी जो है ना, ये मतलब मेरी कज़न है, बगल की बड़े पापा उनकी लड़की है, तो ये भी आई हुई थी, मम्मी ने इन्वाइट किया था। तो इनको रंग लगाने के बाद ना छोटी लगा रही है नेल पेंट, और मैं लग गई थी साथ ही साथ खाना में, क्योंकि खाना भी बन जाता साथ में तो अच्छा रहता, क्योंकि इस पूजा में ना 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे गाना वाना हो रहा है, सब लोग गाना गाते हैं, माता रानी का भजन होता है, कीर्तन होता है, देन कथा होता है। जैसे हर व्रत में कथा होता है, वैसे इस वाले व्रत में भी, मतलब इस वाले पूजा में भी कथा होता है। तो जो बड़ी अम्मा है ना, वो कथा कहती हैं। यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा रेडी हो गई थी, येलो कलर का पहन लिया था सूट, क्योंकि पूजा में ना सुबह से येलो ही माना जाता है, तो मैं पहन ली थी। जब ये पूजा हो जाता है ना, से पहले जो ये 7 जगह रखा हुआ है, वो सातों सुहागिन के ऐसे आंचल में एक एक मतलब उठा के दिया जाता है। तो मम्मी वो कर रही थी, ऐसे साड़ी फोल्ड कर करके ऐसे किया जाता है। आप लोग के वहाँ होता है कि नहीं, फिर से बोलिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और
यहाँ पे पूजा ऐसे होगी या फिर होगा आरती, तो यहाँ आरती हो रहा है। सब लोग आरती में आ जाओ, आप लोग भी माता रानी की कृपा, आप सभी भी बने रहो बनी रहे। जितने लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं, जो लोग मुझे प्यार देते हो, इतना मुझे जीरो से लेके यहाँ तक पहुँचाए हो, सबको थैंक यू सो मच। सब पे माता रानी की कृपा बनी रहे। फटाफट से आरती कर लेते हैं, और ये पूजा होने में 2 घंटे तो लग ही गए थे। पूजा हवन आरती प्रसाद सब कुछ लेने देने में 2 घंटे लग गए थे। तो कुछ इस तरीके से ये पूजा होती है। भक्ति रस प्याली अस बुझाऊं वाली और यहाँ बन रहे ना आलू के चिप्स वाले पकौड़े, तो उसकी चटनी ना कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अगर घर पे धनिया नहीं रहता है ग्रीन वाला, तो लहसुन प्याज थोड़ा सा खटाई जो सूखा आम का रहता है वो वाला, और लहसुन मिर्चा ऐसे डाल के और इसको पीस देंगे ना, इतना अच्छा टेस्टी लगता है। देसी चटपटा जैसे चटनी बनता है ना उस तरीके से। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं मिक्सी में मैं चला ली थी, और यहाँ पर चिप्स कटर से मैंने आलू कट कर दिए थे। बेसन तैयार कर लिया था जिसमें हल्दी अजवाइन थोड़ा सा कलौजी थोड़ा सा तेल नमक मिर्च पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला हल्का सा मतलब डाल के और इसको घोल लिया था। एंड इसके बाद से करारे क्रिस्पी से बना लिए थे ऐसे चिप्स वाले पकौड़े। तो इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। और आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहो, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतना दुलार प्यार देते हो। जब आप लोग कमेंट करते हो कि दी आप रेगुलर वीडियो डाला करो, क्यों आप डीमोटिवेट होती हो, आप लोग का मतलब इंतज़ार रहता है मेरी वीडियो को, मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हो आप लोग। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो कि दी आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, मैं इंतज़ार करती हूँ देखने के लिए, या फिर मैं करता हूँ जो भी मेरे भाई बहन मुझे देखते हैं। एंड मेरी आंटी मेरी मम्मी की उम्र के जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना, काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चटनी तैयार हो गया था, और चटनी के बाद यहाँ पकौड़े बना लिए थे हमने। तो सब लोग खाएँगे पियेंगे ऐस करेंगे, और आप लोग भी ऐसे जहाँ भी हो स्वस्थ रहो व्यस्त रहो मस्त रहो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मेरी 25,300 की फैमिली कंप्लीट करने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग वहाँ पे भी मुझे इतना प्यार देते हो ना, बहुत ही अच्छा लगता है यार, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे मुझे प्यार देते रहो, और इंस्टाग्राम पे जिन्होंने फॉलो नहीं किया है ना, फॉलो कर लो आप लोग, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे अच्छे से रील्स बनाती रहती हूँ, रील्स पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ पर रील्स की वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, एंड यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे प्यार सपोर्ट देते रहना। तो चलिए मिलते हैं प्यार से ब्लॉग के साथ। बाय, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, टेक केयर, लव यू सो मच गाइस।